11 जनवरी से गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में शुरू हो रहे गोरखपुर महोत्सव में पहली बार राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता शामिल किया गया है। फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश की 10 प्रतिष्ठित टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। गुरुवार को सिविल लाइन स्थित रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे फुटबॉल प्रतियोगिता के एक मैच में गोरखपुर 11 ने DFA आगरा को टाई ब्रेकर में 3-1 के अंतर से हराया। प्रतियोगिता में चल रहे मैच में मंडल आयुक्त अमित गुप्ता ने शिरकत किया। इस अवसर पर क्रीड़ा अधिकारी मंडल AK पांडे, जिला फुटबॉल संघ के सचिव हमजा खान सहित प्रतिभागी खिलाड़ी और समर्थक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए आयुक्त अमित गुप्ता ने कहा, ये जितने भी पहलवान आए हैं की टीम ने आगरा से 3-1 से पेनल्टी शूटआउट में मैच ये जीत लिया पहला। इसके तुरंत बाद दूसरा मैच शुरू होने जा रहा है खेल छात्रावास वाराणसी और हमारे आगे 49 में दिखा क्या क्या है? देखा नहीं अभी, आए तो दिखा देने वाला आपको और उसका पैगोड़ा वाला और दिखा देंगे एक घंटे में चपा दिया जाए। देखिए गोरखपुर महोत्सव में पहली बार फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है और उसी के तहत दूसरे दिन में प्रतियोगिताएँ चल रही हैं तो उसी को देखने हम लोग आए थे। सर कितने मैच सर होने हैं? फुटबॉल में डिटेल जानकारी तो आपको मेरे ख्याल आ रहा है सब दे पाएंगे। तीन मैच आज तीन मैच होने हैं लेकिन कुल कितने मैच होने? नौ मैच कुल होना है।